तो जी बादशाह चाहुंदा सी बाहर दा सी विदेशी सी कि मैं बुद्ध धर्म बारे जाना, लेकिन जिस विद्वान नाल ओह गल करदा तसल्ली ना हुंदी। उन्हें होका लेके कहा कि पंजाब च कोई बौद्ध धर्म दा विद्वान ही नहीं है। कहिंदे जी है पर बहुत बिजी है, इस करके दक्षण च गया है नागसैन। बादशाह ने कहा कि नागसैन नूं बेनती करो कि वह साडे महल च आउण ते असीं उन्हां तों कुछ बुद्ध धर्म बारे जाणना। नागसैन ने जवाब दिता कि इन्हां दिनां च असीं धर्म प्रचार के कामां च लिखत पढ़त के कामां च बहुत रुझे हुंदे आ, चमासे के दिनां च असीं यात्रावां बंद करदे आ। जे महाराजे नूं चमासे के महीने मंजूर होण तां असीं आ सकदे आ। अख्तियार दिते सी, उन्हें कहा जी जिहड़े जिहड़ा समां तुहाडे कोल होए, जिहड़ी फुरसत तुहाडे कोल। नागसैन आया जी सियालकोट, बादशाह नूं मिलिया। पहला सवाल तो पहला जवाब, बस दो तीन सवाल तो दो तीन जवाब ही सुनाऊंगा। पहला सवाल, बादशाह ने मत्था टेकिया, कहा पूजनीक नागसैन मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, मैं तुहाडे तो सवाल पूछने का हकदार हाँ। पहला सवाल है नागसैन ने कहा महाराज जे जग्यासुओं वांग पूछोगे तो हकदार हो, जे महाराजा वांग पूछोगे तो हकदार नहीं हो। बादशाह ने पूछा पूजनीक नागसैन पंते दोवें च फर्क की है, बादशाह किवें सवाल पूछता है तो जग्यासु किवें पूछता है। नागसैन ने कहा महाराज जग्यासु अपने ज्ञान की तृप्ति वास्ते कुछ प्राप्ति करना चाहता है तो सवाल पूछता है, जे समझ ना आए दोबारा बेनती करता है, सौखा करके दसो। जो तृप्ति हो जाती है संतुष्ट होकर शुकराना करके घर चला जाए। तो बादशाह जो कोई सवाल पूछता है उसका इरादा यह होता है कि जो उत्तर मैं चाहना वह मिले। जो उस तरह का उत्तर नहीं मिलता तो बादशाह अक्सर नाराज हो जाते हैं। इस करके असं बादशाह के सवालों के जवाब देंगे नहीं। तुम दसो तुम बादशाह हो कि जग्यासु। नागसैन ने हथ जो नागसैन महाराजे ने हथ जोड़ के कहा पूजनीक पंते पंते मैंने प्राप्त पंते जग्यासु मैं एक जग्यासु वांग तुहाडे दरबार च हाजिर हो। एक सवाल पूछा, दो तीन सवाल तुहानू सुना देना, तुहानू चंगे लगणगे क्योंकि यह विजडम पंजाब दी है, ना मेरी है ना तुहाडी, यह साडे वडेरियां दी साडे बजुर्गां दी। एक सवाल, पंज सदियां हो गई तथागत सिद्धार्थ नूं बीतियां, उदों 500 साल होए सी, 2000 साल पुरानी गल होगी ना, हुण 2500 साल उदों 500 साल 500 साल पुरानी गल्लां करन दा की लाभ पंते, अज दे दिन अज दी गल करो। नागसैन ने कहा महाराज सारा दिन तुसीं फैसले कीते, फरियादां सुनियां, थक गए, शाम होई थोड़ा आराम कीता, सौण तो पहला खाना खाधा, फिर सौण लई चले, अजे तुसीं सुत्ते नहीं सी महाराज। तुहानू ख्याल आया कि गवांढी देश दे महाराजे नूं इक सुनेहा देना जरूरी, तुसीं अपना मीर मुंशी बुलाया, सुनेहा लिखवाया ते कहा यह सुनेहा सूरज चढ़न तो पहलों पहलों पहुँचना चाहिए। ये सुनेहा लिखवा के तुसीं सौं गए महाराज, तुसीं सौं गए सी, तुहाडा सुनेहा थोड़ा सुत्ता, तुहाडा सुनेहा चल पिया सी, उन्हें सूरज चढ़न तो पहलों पहलों गवांढी देश दे राजे दे महलां च पहुँचना सी। इस तरह हजूर पांच सदियां पहला सानू कुछ सुनेहे लिखवा के तथागत सिद्धार्थ सौंगे, वो सौंगे उन्होंने सुनेहे थोड़ा सुते ने, उन्होंने सुनेहे तुरते रहेंगे जदों तक हरेक प्राण के दिलों अंदर निवास नहीं करते। तीजा सवाल तो तीजा जवाब, मूर्खता तो अकलबंदी यह कभी वक् वक् होणगियां कि इकट्ठी रहणगियां? नागसैन कहिंदा महाराज जोड़ियां भैणां ने, सखियां भैणां ने, मूर्खता ते सियाणप कदी वख वख नहीं होईयां ना होणगियां। इस तरह क्यों हुंदा पंते? महाराज असीं गागर खरीदण वास्ते ठठेरियां दे बाजार च गए, हथौड़ियां नाल चादरां कुट कुट के ठठेरे गागरां बना रहे सन, इन्ना शोर हो रहा सी कि एक दूजे की गल सुनाई नहीं दिंदी सी। सानू शोर नहीं चाहिए सी महाराज, गागर चाहिए सी, पर शोर पे बगैर गागर बनेगी नहीं। मूर्खता च मधाणी फिरेगी, फिर अकल का मक्खन अकल का पेड़ा बाहर आएगा। एक कट्ठियां रही कट्ठियां रहनगी। एक होर सवाल सुन लो, पूजनीक नागसैन तुसी आखदे हो कि जेड़े बुरे काम करनगे लोग वह दोजखां च जाणगे ते सैकड़े साल तक दोजखां की अग्नि च सड़नगे। दोजखां की अग्नि धरती की अग्नि नालों प्रचंड है ते कई सौ साल सड़नगे। पंते इस धरती की अग्नि कुछ घंटिया च मनुख नूं खत्म कर दिंदी है, सुआह बन जाती है, उत्थे अग्नि भी प्रचंड है ते कई सौ साल सड़नगे। वह मैनूं तर्क संगत नहीं लगती गल, मैनूं सौखा करके समझाओ पंते। नागसैन ने कहा महाराज शेरनी ने हिरन का शिकार किया, हड्डियां भी चबा गई, मास तो चबाई चबाया,
शेरनी दे पेट दे एक हिस्से च हिरन दा मास गल रहा है, दूसरे हिस्से च उहदा बच्चा पल रहा है। धरती उत्ते भी चमत्कार हो रहे ने महाराज, उह तां संसार होर तरह दे ने।